कौशाम्बी जनपद के फरीदपुर समरो गांव में विधायक द्वारा ग्रामीणों को स्वामित्व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भाजपा नेता और प्रधानपति आफाक अहमद की देखरेख में ग्रामीणों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना स्वामित्व योजना का लाभ ग्रामीणों को दिया गया। कार्ड वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक लाल बहादुर ने बताया कि ये योजना श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें लोगों के जमीन मकान का रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसमें मकान और जमीन की चौहद्दी का विवरण होगा। साथ ही बताया कि इस कार्ड के माध्यम से कार्ड धारकों को आसानी से लोन भी मिलेगा। साथ ही जो गांव में जमीन और मकान को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। साथ ही विधायक लाल बहादुर ने प्रधानमंत्री आफाक अहमद द्वारा गाँव में कराए गए विकास कार्यों की तारीफ भी की। इस मौके पर सदर SDM राजेश चंद्रा, तहसीलदार रामजी, भाजपा नेता चरण सिंह कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ग्रामीण इलाकों में रह रहे आबादी में लोगों के मकान का स्वामित्व अधिकार एक स्वामित्व योजना जो लागू किए हैं उसी का आज लोगों का कार्ड वितरण होना था। उस जो स्वामित्व योजना है उसके अंतर्गत जितना जो भी ग्रामीण इलाके में मकान एरिया जिस एरिया में बना है उसकी लंबाई चौड़ाई उस कार्ड में जो आज कार्ड दिया जा रहा है उसमें दर्ज है कि कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, अभिलेख में उस खाता आराजी संख्या नाम सब कुछ दर्ज है। ये जो कार्ड मिल रहा है इस कार्ड के माध्यम से उनको ढेर सारी एक स्वामित्व मिलेगा उनको, और उसके साथ साथ बैंक से कर्ज भी उस कार्ड के द्वारा कर्ज भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकेंगे। कार्ड को किस नाम से संबोधित किया जा रहा है? कार्ड को एक स्वामित्व कार्ड, संपत्ति कार्ड, स्वामित्व योजना में ये संपत्ति कार्ड के मतलब ये इनकी संपत्ति है, ये जो स्वामित्व जिसे जो मकान है वो स्वामित्व के रूप में उसको दर्ज कर दिया जाता है संपत्ति कार्ड के नाम से। ये कार्ड दिख रहा है, ये खतौनी की तरह घरौनी का नाम भी दिया जा रहा है क्या इसको? घरौनी, हाँ घरौनी भी इसको एक नाम दिया गया, लेकिन कार्ड का नाम स्वामित्व कार्ड के नाम से, जिसे एक आधार कार्ड है इस तरह से, ये स्वामित्व कार्ड के नाम से। आपका शुभ नाम? मैं विधायक मंजनपुर लालपुर।